दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे मछली के बारे में, जिसे देखकर हर कोई उसे आसानी से पहचान लेता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पफर फिश के बारे में। पफर फिश, जो पूरी दुनिया में सिर्फ इंडियन, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के यहाँ पर ही पाए जाते हैं, और पूरी दुनिया में पफर फिश के 120 से भी ज्यादा प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं, और पूरी दुनिया में पफर फिश को आसानी से पहचान लेते हैं, क्योंकि यह मछली अपने आप को कुछ ही समय में फुगा लेती है और इसका पेट जो इलास्टिक की तरह फैलता है। और पफर फिश इस तकनीक का इस्तेमाल तभी करते हैं जब वे अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं, क्योंकि पफर फिश समंदर के अंदर बहुत ही कम स्पीड में तैरते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार पफर फिश के शरीर में जहर पाया जाता है, जिसे टेट्रोडोटॉक्सिन कहते हैं, जो 1200 गुना ताकतवर होता है साइनाइड से भी। और एक पफर फिश किसी भी 30 इंसान की हत्या कर सकती है। और पूरी दुनिया में शार्क एक ऐसी मछली है जो पफर फिश को खा सकती है और उसके जहर को सहन कर सकती है। जापान में इस मछली को मारकर इसे खाया जाता है और उसके खाने को फुगू कहते हैं। लेकिन यदि इसे काटते समय इसका जहर सही ढंग से नहीं निकाला गया तो फिर इसे खाने पर किसी भी इंसान की हत्या हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार पफर फिश की देखने की शक्ति बहुत ही अच्छी है, और फीमेल पफर फिश जो एक समय पर तकरीबन 3 से लेकर 7 अंडे देती है, और जब उन अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं तो उन्हें सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए तकरीबन 5 साल लगता है। हर साल पफर फिश की संख्या भारी मात्रा में कम होती जाती है, क्योंकि इंसानों की पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और उनका शिकार करके। वैज्ञानिकों के अनुसार पफर फिश की साइज और वेट निर्भर करता है पफर फिश के प्रजाति के ऊपर। जैसे कि दुनिया के सबसे छोटी पफर फिश पिग्मी पफर फिश है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1 इंच तक ही हो सकती है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़ी पफर फिश जायंट पफर फिश है, जिसकी लंबाई तकरीबन 2 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। और समुन्द्र में पफर फिश तकरीबन 10 साल तक जी सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।